कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराज़ों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। अब इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी कब बन गए? नसीब तय करता है कि आपको क्या बनना है। कुछ नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर बीच में जर्नलिज्म कर लिया, कुछ भी पता नहीं था जिंदगी में क्या करना। हुनर के आप पैदा हुए हैं तो आप शायर नहीं बन सकते, कम से कम चलन में नहीं था हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि जब शहर पढ़ने आए तो जीन से मुलाकात हुई। जीन्स को लेकर के फिल्मों में जब किसी एक्टर को पहने देखते थे तो एक ख्वाब होता था, जीन्स लुभाती है लोगों को। जो एक फ्रेम बनाया जाता है ना, आपको टाइप्ड किया जाता है, मुझे लगता है वो सबसे पहले चिपकाया जाता है किसी मुसलमान नेता पर। पार्लियामेंट में भी बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में ही खड़ा हूँ, और इसीलिए मैंने पहली स्पीच जो मेरी पार्लियामेंट में हुई वो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो फी बढ़ी थी उस पर मैंने डेली पार्लियामेंट, या तो अर्जेंट हो जाती है या फिर अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। बड़े सपने लेकर के पार्लियामेंट आए थे, धीरे धीरे भरम टूट रहे हैं। इल्जाम लगाया जाता है कि जो भी अलायंस बनती है अपोजिशन की, वो मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए बनती है। ये इल्जाम लगाता कौन है? भाजपा, बीजेपी तो सब पे इल्जाम लगा रही है, हर अच्छे इंसान पे इल्जाम लगा रही है। उसके लिए क्या किया जाए? बीजेपी के इल्जामों से डर करके आप शायरी तो नहीं छोड़ सकते, आप मजलूमों की आवाज उठाना नहीं बंद कर सकते ना। वो ये बोल करके अपने वोट बैंक को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे तो 9 साल में किया कुछ नहीं। ये दुर्भाग्य है कि मुल्क का हाकिम जो है इस तरह की बातें करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हलाल हिजाब और मंदिर के पास कोई मुसलमान अपना ठेला नहीं लगा सकता, ये सब जो बहुत सतही लेवल पे जा करके उन्होंने नफरत बोने का काम किया। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, बेहतर नेता कौन? देखिए आप, मतलब मुझसे कोई ये पूछे कि आप अपने भाई बहन में किसे बेहतर मानते हैं, मैं कैसे ये सवाल का जवाब दे सकता? मैंने सियासत में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं राहुल गांधी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने खर्च किया। इतने सालों की भाजपा की मेहनत, इतने सालों का झूठा नैरेटिव। राहुल गांधी यात्रा पर निकले, उन्होंने शुरू में कोशिश की कि राहुल जी की टी शर्ट महंगी है, दाढ़ी के बाल बढ़ते जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों को छोड़ा गया कि दाढ़ी के बाल किससे किससे मिल रहे हैं वो गिन के बताओ। इन 2-3 हमलों के बाद भाजपा बैकफुट पे आ गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी जो हो रहा है उससे महाविकास आघाड़ी का, इंडिया का नुकसान हो रहा है। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है कि जो कुछ घट रहा है वो हर दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे लानत भेजने के लिए हो रहा है। मणिपुर कब जा रहे हैं मरहम लगाने? जब राहुल जी जख्म पे मरहम लगाने के लिए सबसे पहले पहुंच गए तो हम सब तो उनके सिपाही हैं, हम उनके साथ खड़े ही हैं। जाहिर सी बात, आ गई हैं हजारों बलाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो।